वेलकम ऑल डिवाइन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सभी का इस अनोखे म्यूजिकल एक्सरसाइज में स्वागत है। आज हम देख रहे हैं कि दुनिया में काफ़ी बीमारियां बढ़ती जा रही है, जिसको हम बोलते हैं लाइफस्टाइल डिसीजेस, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिसीज है, स्ट्रोक है, ओबेसिटी है, तो ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो इसके कंट्रोल के लिए कोई गोली है या कोई ऑपरेशन है, तो ऐसी काफ़ी चीज़ें साइंस में तो आ ही रही है, लेकिन इसके अलावा गोली न लेते हुए या कुछ ऑपरेटिव न करते हुए कुछ ऐसा सहज साधन है कि जिससे इस बीमारियों की रोकथाम की जाए या प्रिवेंशन किया जाए, तो ऐसा एक सिंपल तरीका है, वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज को कहा जाता है कि एक्सरसाइज इज़ द बेस्ट इंसुलिन सेंसिटाइजर, यानी हमारे शरीर में जो इंसुलिन बनता है पैंक्रियास से, तो उसकी सेंसिटिविटी इस एक्सरसाइज से बढ़ जाती है, हमारी जो मांसपेशियाँ हैं वो एक्टिव हो जाती है। और इसमें सबसे ज़्यादा फायदा ये होता है कि मांसपेशियाँ तो एक्टिव होती है, लेकिन उसके साथ मांसपेशियों के अंदर हर एक सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया रहता है वो माइटोकॉन्ड्रिया भी एक्टिव हो जाता है, और वो जब एक्टिव होता है तो अपने आप सब मेटाबॉलिज्म जो है तो बढ़ जाता है। तो हमने इस एक्सरसाइज के काफ़ी फायदे पेशेंट्स में देखे, बहुत सारे लोगों का डायबिटीज़ कंट्रोल तो हुआ है, साथ में उनकी गोलियां काफ़ी कम होने लगी हैं, और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट आया वो ये कि उनकी स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो चुकी है, क्योंकि आपको तो सबको पता है कि 60% डिसीजेस आर ड्यू टू स्ट्रेस। अमेरिकन मेडिकल स्कूल ने भी ये बताया कि 60% जो बीमारियां हैं आजकल ये तनाव के कारण है। तो जब लोग हमारे यहाँ आते हैं म्यूज़िकल एक्सरसाइज करते हुए, काफ़ी सारी माताएं यहाँ पर इकट्ठी होती है, और जब वो उन गीतों में उस रूहानी परमात्मा संघ के जो गीत बनाए हुए हैं उसमें जब वो नृत्य करते हैं, वो जो एक्सरसाइज करते हैं, तो उसमें उनका तनाव कम हो जाता है। और इसके कारण हमने देखा है कि काफ़ी सारी गोली भी हम कम कर पाए, क्योंकि ये जो सॉन्ग्स है जो इस एक्सरसाइज में यूज़ किए, तो इस सॉन्ग्स में बाबा करके शब्द आता है, बाबा बाबा, तो बाबा यह है प्रतीक हमारे आत्मा के जो रूहानी पिता है, जिसको हम बोलते हैं परम पिता परमात्मा, तो उसके लिए बाबा ये शब्द यूज़ किया गया है इस सॉन्ग्स में। और जितना जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं और ये बाबा बाबा करके गीत हमारे कान पे बढ़ते हैं, तो अपने आप हमारा मन भी उससे कनेक्ट हो जाता है, उस रूहानी पिता से कनेक्ट होता है, तो एक तरह का एक मेडिटेशन भी एक्सरसाइज के दौरान हो जाता है। इसलिए ये फिजिकल एक्सरसाइज प्लस मेंटल एक्सरसाइज, ऐसे दोनों कंबाइंड उसका जो है इफ़ेक्ट आ जाता है। और विशेष डायबिटीज़ में जो फ़ायदा हुआ है, वो डायबिटीज़ और बाकी भी डिसीजेस में, वो है ये जो एक्सरसाइज एक हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, HIIT जिसको बोलते हैं हम, तो उस तरीके का एक्सरसाइज, इसमें बीच बीच में स्पीड बढ़ती है, फिर कम करते हैं, फिर वापस बढ़ाते हैं, फिर कम करते हैं। तो इस एक्सरसाइज का विशेष ओबेस और डायबिटिक इंडिविजुअल्स में बहुत सारा फ़ायदा हमको नज़र आया। जब आप राजयोग मेडिटेशन करेंगे, राजयोग का कोर्स करेंगे ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में जाके, तो आपको इस गीतों का बहुत सुंदर अर्थ आपको भी पता चलेगा, और फिर आपका मन भी और तन भी इस एक्सरसाइज के दौरान झूमने लगेगा, और एक ये एक्सरसाइज में लगते हुए आपको एक सुखद यात्रा का अनुभव होगा। इसलिए हम देखते हैं कि लोग भाग भाग के दूर दूर से हमारे यहाँ 5-5, 6-6 किलोमीटर से लोग यहाँ पर आते हैं और वो एक्सरसाइज करते हैं और फ्रेश होके जाते हैं। तो आपको सबको नम्र निवेदन है कि आप ये एक्सरसाइज देखिए और रोज़ कीजिए। 40 मिनट का सिर्फ एक्सरसाइज है, और उसके बाद आप 20 मिनट्स का मेडिटेशन कर लीजिए, तो आपका तन और मन सदा के लिए तंदुरुस्त रहेगा। तो करेंगे ना, ओम शांति। एक्सरसाइज शुरुआत करने के पहले हम 3 बार ओंकार ध्वनि करेंगे, और ओंकार ध्वनि करते हुए भी अपना अटेंशन यह रहे कि ध्वनि भले इस कंठ से निकले, आवाज़ भले इस मुख से आए, लेकिन जो वाइब्रेशंस है वो इस मस्तक से फैले। तो इस तरीके से हमको ओंकार ध्वनि करना है। तो आप ये पहले सीधे स्ट्रेट बैठ जाइए, कौन से भी आसन में, सुखासन में बैठ सकते हैं, और फिर लंबी गहरी सांस लेकर फिर धीरे धीरे अ उ और म, 1/3 1/3 1/3 इस तरीके से अपने को करना है। तो
तो शुरू करते हैं। I'm sorry.
दिल से बाबा कहो जी हर बार, बाबा करते सदा ही प्यार, तन मन की धड़कन में।
खुशियां मनाए जल अग्नि पवन चांद शर्माए देखो मुस्कुराए तारे मेरे मीठे प्यारे शिव बाबा पधारे मेरे मीठे प्यारे भोले बाबा पधारे मेरे मीठे प्यारे शिव शिवाकारियों के संग मुझे रहना है। शिवाकारी
बच्चों से कहना है, सिवाधारियों के संग मुझे रहना है, सिवाधारियों के संग मुझे रहना है।
से भी सुंदर संसार मिलेगा, कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा। स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा, कभी सोचा नहीं था। चला देख संगम का आनंद, हर गम चला गया, मिला मीठा परिवार ये एहसास हो चला। उजड़े जहां चमन में फिर से फूल खिलेगा, कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा। स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा, कभी सोचा नहीं था। संसार जिसको ढूंढे मेरे साथ वो है रहता, याद करके वो हमको याद करता। हम संसार जिसको ढूंढे मेरे साथ वो है रहता, हम उनको याद करते वो हमको याद करता। तरसते नैन जिसको वो रोज दिखेगा, कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा। स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा, कभी सोचा नहीं था। जिस दिन से उसने मुझको अपना बना लिया है, बच्चे तो चिंता मत कर, मैं हूं ना कह दिया है। हाँ, जिस दिन से उसने मुझको अपना बना लिया है, बच्चे तो चिंता मत कर, मैं हूं ना कह दिया है। वो ज्योति बिंदु शिव मुझे साकार मिलेगा, कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा। स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा, कभी सोचा नहीं था। Thank you.
जब भी छाने लगे ये अंधेरा, मेरे संग संग चले जो सवेरा, जब भी छाने लगे ये अंधेरा, मेरे संग संग चले जो सवेरा।